2014 के मुकाबले 2019 में बीजेपी ने सिर्फ ज्यादा सीटें नहीं जीती, लोगों ने ज्यादा वोट भी किया बीजेपी को। लोगों को यकीन है कि आने वाले समय में ये सरकार हमारे लिए अच्छे दिन लाएगी। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आने वाले 5 सालों में इंडियन गवर्नमेंट के सामने क्या क्या मेन चैलेंजेस है जिनपे उन्हें ध्यान देना है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। इंडियन गवर्नमेंट का मेन फोकस इस समय यह होना चाहिए कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ को और कैसे बढ़ाया जाए। डीमोनेटाइजेशन और जीएसटी के आने से इंडिया की इकोनॉमी स्लो डाउन हुई थी 2017 में, पर 2018 के जून क्वार्टर से इंडियन इकोनॉमी इंप्रूव होना स्टार्ट हो गई। वर्ल्ड बैंक IMF ने प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया की इकोनॉमी 2019 में 7.3% से 7.5% के बीच ग्रो करेगी, पर इंडियन गवर्नमेंट को और इनिशिएटिव लेना होगा इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जैसे कि इंपोर्ट को कम करना होगा और एक्सपोर्ट को बढ़ाना होगा। इंडिया का ट्रेड डेफिसिट $165 बिलियन के आसपास है 2019 के मार्च में। इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है एक्सपोर्ट के मुकाबले, मतलब सामान ज्यादा खरीदता है ना कि ज्यादा बेचता है। और इंपोर्ट में भी इंडिया सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल खरीदता है, लगभग 40% टोटल इंपोर्ट का। और यही प्रॉब्लम है इंडिया के साथ, क्योंकि इंडिया के एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है और 2019 में ये ऑल टाइम हाई पे था, पर इंपोर्ट में क्रूड ऑयल का परसेंटेज भी बढ़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में गैप होने के बावजूद इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कैसे कर रही है। वो ऐसे कि इंडिया खुद ही इतनी बड़ी मार्केट है कि उसे किसी और देश की मार्केट की जरूरत नहीं। कंजप्शन लेवल इंडिया का बहुत है। अगर इंडिया सिर्फ होम प्रोडक्ट को ही यूज करे तो इंडिया की इकोनॉमी अपने आप ही ग्रो करने लगेगी, और ये पॉसिबल होगा मेक इन इंडिया मूवमेंट से। इंडियन गवर्नमेंट को मेक इन इंडिया को और फैलाना होगा दुनिया भर में। इससे दुनिया भर के बिजनेसमैन इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे, FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इंडिया में बढ़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि इंडिया ने FDI के मामले में चाइना को ऑलरेडी बीट कर दिया है। लोग अक्सर मेक इन इंडिया मूवमेंट को गलत समझ बैठते हैं। वो सोचते हैं कि मेक इन इंडिया का मतलब होता है कि सामान इंडिया में बने इंडियन कंपनी के द्वारा, जबकि मेक इन इंडिया का मतलब होता है कि प्रोडक्ट इंडिया में तो बने पर उसे इंडियन कंपनी बनाए या फिर फॉरेन कंपनी बनाए, उससे कोई मैटर नहीं करता। अब लोग इसमें ये सोचेंगे कि ऐसे तो फॉरेन कंपनियां इंडियन मार्केट को टेक ओवर कर लेंगी, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी मिक्स इकोनॉमी है जहां प्राइवेट सेक्टर के ऊपर गवर्नमेंट पॉलिसी रहती है। एग्जांपल देता हूं, कभी सोचा है कि वॉलमार्ट का मेन रीजन क्या था फ्लिपकार्ट को खरीदने के लिए? थोड़ा सर्च करो इसके बारे में, फिर आप खुद ही समझ जाओगे। तो इंडियन गवर्नमेंट को बस अपने इम्पोर्ट को कम करना है और मेक इन इंडिया मूवमेंट को और फैलाना है, जिससे इंडिया का FDI बढ़ेगा, साथ में इंडिया का एक्सपोर्ट भी बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। ये एक ऐसा चैलेंज है जिसे गवर्नमेंट को और लोगों को साथ मिलकर काम करना होगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी देश ऐसा नहीं है जहां पे अनएम्प्लॉयमेंट ना हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाइना हो, रशिया हो, जापान हो, UK, फ्रांस, जर्मनी हो। छोटे देश में भी अनएम्प्लॉयमेंट है, बड़े देशों में भी अनएम्प्लॉयमेंट है। एक फिगर सामने आया था कि 2017-18 में अनएम्प्लॉयमेंट भारत में 45 सालों में सबसे ज्यादा बढ़ी है, जो कि बहुत शॉकिंग फिगर था। इस पे राजनीति भी बहुत हुई है। एक हद तक आप बोल सकते हैं कि गवर्नमेंट यहाँ पे फेल हुई है, पर अब आगे की सोचते हैं तो अब इस बार गवर्नमेंट को अनएम्प्लॉयमेंट को कम करना ही होगा, और वो होगा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे इन्वेस्ट करके, जिससे जो लोग ग्रेजुएट होकर आ रहे हैं उन्हें नौकरी मिल सके। इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करना होगा जिससे लेबर क्लास को काम मिल सके, जो गवर्नमेंट के पास खाली पद पड़े हैं उन्हें भरना होगा, तो ही अनएम्प्लॉयमेंट कम हो सकती है। और जब देश में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगी तभी देश तरक्की कर सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पर डिटेल से एक वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। कश्मीर एक ऐसा इशू है जिसे अब सॉल्व करना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि आए दिन सीज फायर की खबरें आती रहती हैं, आतंकवादी हमले की खबरें आती रहती हैं, और अब ये एक नेशनल सिक्योरिटी इशू भी बनता जा रहा है। इस इशू को सॉल्व करने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो में आर्टिकल 370 को हटाने की बात भी कही है। अब देखना है कि आगे क्या होता है। बहुत से लोग बोलते हैं कि भारत और पाकिस्तान को आपस में बात करनी चाहिए, पर अगर बातचीत से ये प्रॉब्लम सॉल्व होनी होती तो कब की हो गई होती, अब तक लटकी नहीं होती। और मुझे समझ में नहीं आता कि कश्मीर के लिए भारत को पाकिस्तान से क्यों बात करनी चाहिए। पूरी दुनिया को पता है कि कश्मीर भारत का हिस्सा है। ये चैलेंज गवर्नमेंट को अब सॉल्व करना ही होगा, क्योंकि अगर इंडिया को ग्रो करना है तो सबको साथ में लेकर चलना होगा, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट और कश्मीर के लोग ही मिलकर कर सकते हैं, किसी भारी की जरूरत नहीं है।
ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसे बहुत दिन पहले ही इंडियन गवर्नमेंट को सॉल्व कर देना चाहिए था, और ये प्रॉब्लम किसानों को लोन वेवर देने से सॉल्व नहीं होगी। दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट और फिगर बताना चाहता हूँ जिसको देखने के बाद मैं भी बहुत शॉक्ड हुआ था, शायद आप भी हो। दोस्तों भारत में प्रति 30 मिनट में एक किसान आत्महत्या कर रहा है, जो कि एक बहुत ही शर्मनाक बात है। तो फार्म लोन वेवर का सब्स्टिट्यूट क्या है जिससे कि ये सब सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो? जो सरकार पैसा फार्म लोन वेवर पे खर्च करती है वही वो फार्मर के इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करे तो इस चीज का सॉल्यूशन मिल सकता है। और वो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आज भी हमारे देश में 50% ही इरिगेटेड लैंड है और 50% सब मॉनसून पे डिपेंड होते हैं। दूसरा ऑप्शन है प्राइसिंग पॉलिसी का, मतलब प्रॉपर प्राइसिंग पॉलिसी। ये है कि जो भी किसान उगा रहा है, मतलब अगर किसान गेहूं उगा रहा है तो उस गेहूं का उसे प्रॉपर प्राइसिंग मिले, तो ही दोस्तों हमारे देश में किसान खुशी से जी पाएंगे। क्योंकि जो फार्मर लोन वेवर है वो दिखता तो बहुत अच्छा है लेकिन ये इम्पैक्ट बहुत ही कम करता है। इसका मतलब ये नहीं है कि सबको हिंदू बना दो, इसका मतलब ये है कि सबके लिए एक कानून हो, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, क्रिश्चियन हो। क्योंकि अगर देश को आगे बढ़ना है तो सबके लिए एक समान कानून होना जरूरी है, और वो इसलिए भी क्योंकि इससे माइनॉरिटी वाला खेल ही खत्म हो जाएगा। सब इंडियन कहलाएंगे क्योंकि सब इंडियन लॉ फॉलो करेंगे, और इससे देश में एकता ही बढ़ेगी। इससे ट्रिपल तलाक वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, यहाँ तक इससे डाउरी सिस्टम तक खत्म हो सकता है। ये लॉ लाना सबसे टफ होगा क्योंकि इस लॉ पे बहुत राजनीति होगी, तो आगे देखना होगा कि इस चैलेंज को कैसे टैकल करती है बीजेपी गवर्नमेंट। दोस्तों क्या आपको पता है कि इंडिया तीसरा सबसे बड़ा लार्जेस्ट इंपोर्टर है क्रूड ऑयल का, मतलब लगभग इंडिया 80% क्रूड ऑयल बाहर से मंगाता है, और ये क्रूड ऑयल बैरल के हिसाब से आता है, और एक बैरल में 159 लीटर क्रूड ऑयल होता है जो कि बाहर के देशों से आता है, फिर इंडिया से रिफाइन करके पेट्रोल और डीजल निकालता है। दोस्तों इस समय एक बैरल की कॉस्ट $80 है, मतलब ट्रांसपोर्ट का भाड़ा सब कुछ इंक्लूड करके एक बैरल कॉस्ट $80 का है। और दोस्तों यही पहला रीजन है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइस बढ़ने का, क्योंकि 2015 से 17 के बीच में पर बैरल कॉस्ट थी $40 से $50। जी हाँ, एक बैरल कॉस्ट उस समय $40 से $50 की थी और इस समय $80 चल रही है। और दोस्तों इसकी प्राइस आगे भी बढ़ सकती है क्योंकि ईरान पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है, और इस समय ईरान चौथा सबसे बड़ा लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड ऑयल का। इसकी वजह से तेल की कीमतों में उछाल आएगा। आने वाले टाइम में पेट्रोल की प्राइस को कंट्रोल में लाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट पेट्रोलियम सेक्टर में GST ऐड कर सकती है। दोस्तों पहला कारण जो किसी भी देशी करेंसी की वैल्यू को ऊपर नीचे करता है वो है उस देश का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। इंडिया इंपोर्ट ज्यादा करता है एक्सपोर्ट के मुकाबले, मतलब सामान ज्यादा खरीदता है ना कि ज्यादा बेचता है। दूसरा, वर्ल्ड मार्केट में इंडिया की करेंसी की डिमांड बहुत कम है क्योंकि वो इंपोर्ट ज्यादा करता है एक्सपोर्ट के मुकाबले। तीसरा, क्रूड ऑयल की प्राइस का बढ़ना। जब जब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो करेंसी हर देश की गिरती है। दोस्तों और भी कुछ कारण है जिसकी वजह से रुपए गिर रहे हैं, जैसे कि अमेरिका अपने कुछ प्रोडक्ट्स पे टैक्स लगा रहा है। उस पे क्या होगा कि अगर हम कुछ भी प्रोडक्ट वहां से इंपोर्ट करेंगे तो हमें और डॉलर देना पड़ेगा, इससे डॉलर की ग्लोबल मार्केट में डिमांड और बढ़ जाएगी, इसकी वजह से रुपए और गिर जाएगा। रुपए की वैल्यू इंटरनेशनल मार्केट में ना गिरे इसके लिए इंडिया को इम्पोर्ट अपने कम करने होंगे, एक्सपोर्ट्स को बढ़ाना होगा। तो आने वाले टाइम में ये देखना होगा कि इंडियन गवर्नमेंट इस चैलेंज को कैसे टैकल करती है। पॉल्यूशन इंडिया में अब एक सीरियस इशू बन गया है। वर्ल्ड की टॉप 20 हाईएस्ट एयर पॉल्यूशन सिटीज में इंडिया की 13 सिटीज आती है। एयर पॉल्यूशन से लगभग 20 लाख प्री मैच्योर डेथ होती है इंडिया में। इंडिया में एयर पॉल्यूशन का सोर्स देखा जाए तो उसमें 45% डस्ट और कंस्ट्रक्शन के द्वारा होता है, 17% वेस्ट बर्निंग से होता है, 14% ट्रांसपोर्ट से होता है, 9% डीजल जनरेटर से होता है, 8% इंडस्ट्री से होता है, 7% डोमेस्टिक कुकिंग से पॉल्यूशन होता है। पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 2019 में इंडियन गवर्नमेंट ने द नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम चलाया है। उसमें टारगेट सेट किया गया कि 2024 तक 20-30% तक एयर पॉल्यूशन को कम किया जाए। पर सिर्फ एक प्रोग्राम चलाने से कुछ नहीं होने वाला, आने वाले टाइम में आप देख सकते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट और भी स्ट्रिक्ट मूवमेंट ला सकती है पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। साथ में हमें भी इसमें योगदान देना होगा, जैसे कि वेस्ट प्रोडक्ट को ना जलाएं, जितना हो सके आसपास सफाई रखें, ऐसी छोटी छोटी चीजों पर ध्यान रखना होगा हमें भी।
मुझे लगता है आने वाले 5 सालों में ये चैलेंजेस इंडियन गवर्नमेंट के सामने हैं। अगर आपको लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट को और किसी डिपार्टमेंट या सेक्टर में इम्प्रूव करना चाहिए तो वो आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। पर हाँ, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पर चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।